हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरम कॉलेज। इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विथ आवर टॉपिक दैट इज़ द फासिज्म्स वर्ल्ड व्यू। इन दैट वी फर्स्ट पॉइंट वॉज द कोर आइडिया। इन दैट इट वॉज इरेशनलिज्म, रेसिज्म, देन द स्टैटिक ड्यू टूवर्ड्स द कॉरपोरेट स्टेट, देन द इलाइटिज्म। नाउ द बी पॉइंट इज द ऑपरेशनल डायनामिक। इन ऑपरेशनल टर्म Fascism of Italy and Nazism of German is regarded as a totalitarians of the right. See, in operational term आप देखने जाओ तो Fascism of Italy and Nazism of German, it is regarded as a totalitarian of the rights. मतलब सब कुछ एक के हाथ में रहेगा, right? एक ही आदमी सब कुछ पूरा स्टेट रूल करेगा। Because Fascism originated itself on behalf of many vested interests and against the लेट विंग्स पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन। क्योंकि फासिज्म ये कहाँ से आया, इट केम फ्रॉम द कुछ इंटरेस्ट था इसलिए वो आया, और इट वॉज अगेंस्ट द ट्रेड यूनियन एंड लेफ्ट विंग पार्टीज, इट वॉज अगेंस्ट दैम। हाउएवर इन मैनी ऑफ द आइडियोलॉजिकल एंड पोलिटिकल मैनिफेस्टेशन लाइक अ सिंगल पार्टी पोलिटिकल आइडियोलॉजी एंड मोबिलाइजेशन, फासिज्म डज रिज्यूम्स द कम्युनिटी। सी हाउएवर इन मैनी ऑफ द आइडियोलॉजीज, क्या है, बहुत सी आइडियोलॉजी आप देखने जाओगे, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह देखने जाओगे, तो क्या है, सिंगल पार्टी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड मोबिलाइजेशन, फासिज्म डज रिसेम्बल द कम्युनिस्ट। फासिज्म क्या है, फासिज्म थोड़ा सा कम्युनिस्ट की तरफ भी है, लाइक टोटलिटेरियन रेजिमे। सेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर आर अदर ट्रेंड्स। सेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, लाइक सब एक के हाथ में ही, सब पूरी पावर उसके पास, पॉलिटिकल पावर उसके पास, स्टेट के सारा सुख अच्छा बुरा सब सोचने का काम एक के हाथ में ही रहेगा। विच शोज फासिज्म एंटरलॉक्स टू द कम्युनिस्ट रेजिम। तो क्या दिखता है अपने को, फासिज्म क्या है कि बाबा ये कम्युनिस्ट के थोड़ा सा अगेंस्ट भी जाता है। फर्स्ट इज द सेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। द टॉप गवर्नमेंट्स ऑर्गन्स सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर इन बोथ इटली एंड जर्मनी। सी द टॉप गवर्नमेंट क्या है, जो एक जगह मुसोलिनी था, एक जगह हिटलर था, तो अपने को सबसे ज़्यादा फासिज्म कहाँ देखने मिलता है, इन द इटली एंड जर्मन। अकॉर्डिंगली ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव मर्चेंडाइजेस वर सिस्टमैटिकली डिसमेंटल अंडर द फासिस्ट रिजाइन ऑफ इटली एंड जर्मन। सी अकॉर्डिंगली क्या है, जो भी प्रोविजन्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिकल थे, वो सारे सिस्टमैटिकली चल रहे थे इन द हैंड ऑफ वन मैन, दैट इज इन द इटली में भी और जर्मन में भी। दस फासिज्म नाइदर प्रोवाइडेड फॉर फेडरलिज्म ऑफ एनी वराइटी नॉर वॉज देयर एनी टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सी फासिज्म में क्या है, किसी को किसी चीज़ की आज़ादी नहीं, यू कॉन्ट टेक एनी डिसीजन ऑन योर ओन, नॉर कोई सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी क्या, अभी अपने यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सब किसके पास आता है, नीचे पार्लियामेंट में डिस्कस वगैरह होता है, राइट। अगर दोनों हाउस हाँ बोले तो सारी चीज़ें होती है, अगर दोनों हाउस में पास नहीं हुआ तो क्या है, तो कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, सब ऐसे ही चल, तो यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे है ही नहीं, एक के हाथ में ही सब कुछ है यहाँ पे। द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स वेर देयर टू ओनली एंडोर्स एंड रेक्टिफाई गवर्नमेंटल एनैक्टमेंट। सी द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स क्या थे, दे वेर सारे एक के हाथ में ही थे, और गवर्नमेंट क्या था, एकदम एक्टिव था। द इटालियन पार्लियामेंट हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन इन हिस्ट्री टू अनएनोमसली वोट फॉर इट्स ओन अबॉलिशन। सी द इटालियन पार्लियामेंट क्या था, हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन इन हिस्ट्री, एक यूनिक चीज़ थी और वो पूरे हिस्ट्री में बोली जाती है, टू वोट फॉर इट्स अबॉलिशन, लाइक सबने एक साथ मिलके वोट किया और सब कुछ अबॉलिश किया। दस ऑल पावर सेफली रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ ईदर द जर्मन और इटली। सी तो क्या है, पूरी पावर क्या रह गई, किसी एक हाथ में, एक जन के हाथ में ही रह गई, लाइक इटली और जर्मन। द एंटायर इलेक्ट्रल प्रोसेस वॉज डिवाइसली कंट्रोल्ड एंड स्टेड बाय द सिंगल पार्टी। ये सारा प्रोसेस क्या था,
The entire electoral process was decisively controlled and stressed by the single party rule. किसी एक पार्टी के रूल में ही सब कुछ जा रहा था यहाँ पे. No wonder the party cadres overwhelmingly elected the party sponsored candidate who often got over 99% of the vote cast during the election. See, the entire electoral process was decisively, it was a controlled and stressed by the single party rule. Like एक ये सारा जो प्रोसेस था ना वो एक ही पार्टी कंट्रोल करती थी और वो चाहते थे कि देयर शुड बी ओनली सिंगल पार्टी रूल. तो क्या है, नो वंडर वो पार्टी क्या करते थे, इलेक्शन में भी सारा उन्हीं के आदमी खड़ा करते थे और वही लोग जीत के आते थे. तो 99% ऑफ द वोटर्स कास्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन. तो क्या है, वो पार्टी अपने आप जीतेगी ना, क्योंकि पता है कि इसी को जीतना है, इसी के आगे तो कोई खड़ा रहेगा नहीं, तो डायरेक्टली वही पार्टी जीतेगी, क्योंकि खड़ा रहने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी उस वक्त, ऐसा सीन था. The centralized government conclusively frustrated all local press. अभी जो centralized government थी ना उन्होंने पूरा local press भी अपने अंदर कर लिया था, political activities भी सब खुद ही ले लेते, and opponents etc. and render them utterly inefficient. The centralized government क्या है, कंक्लूसिवली क्या है, फ्रस्ट्रेटेड ऑन लोकल प्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अपोनेंट्स एक्सेट्रा एंड रेंडर देम अटरली डिफिशियंसी. इवन ऑल पोटेंशियल राइजर्स वॉज इफिशियंटली इन द बर्ड बाय द फासिस्ट. सी जो भी पोटेंशियल थे सब थे, वो सब कुछ यहाँ पे फासिस्ट के पास ही चल रहा है, फासिस्ट के अलावा यहाँ पे दूसरा कोई है नहीं. नेक्स्ट इज द सिंगल पार्टी. द फासिस्ट पार्टी इन इटली एंड NASDP in German had highly concentrated leadership. See, the fascist party kya thi yahan pe, the fascist party in Italy and the NASDP in German, unke paas kya tha, unke paas highly centralized leadership thi. This parties organized concern through intensive mobilization. See, ye party ne kya kiya, this party organized concern through incentives mobilization, like सारा खुद के हाथ में कर लिया. The hierarchical levels of these parties were firmly controlled by the duke and the federal respectively. ये जो hierarchical levels थे ना parties में भी, वो भी सारे कौन करता था, control Italy और German respectively. Annual party congresses were festive gatherings for pre-laundering the leaders and confirming his policy guidelines. See, एनुअल पार्टी कांग्रेसेस, अभी फेस्टिवल्स के वक्त जैसे लोग सब गैदर होते थे ना, तो यहाँ पे भी जब लोग गैदर होते हैं किसी फेस्टिवल के नाम पे, तो क्या है, वो लीडर आता था और वो अपने सारे गाइडलाइंस पॉलिसी सब बोलता था, क्योंकि तभी लोगों को अपने सारे गाइडलाइंस कैसे क्या करने वाले, क्या करने वाले हैं, तभी वो सारा बोलता था. द पार्टी स्ट्रेस द स्टेट एंड द स्टेट इन टर्म इनएविटेबली कैटर टू द पार्टी प्रायोरिटीज वर्चुअली एज ए सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन. सी तो पार्टी भी क्या करती थी, सी यहाँ पे गवर्नमेंट भी थी एंड पार्टी भी थी, लेकिन सारा पावर किसके पास था, एक पार्टी के पास ही सारा पावर था. द पार्टी स्ट्रेस द स्टेट एंड द स्टेट इन टर्म इन अवेलेबली कैटर्ड टू द पार्टी प्रायोरिटी वर्चुअली एज ए सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट लीडरशिप. इट वॉज द investigated role of the leader to amalgamate the people, the party and the state into one viable entity. See, it was the एक role of leader था कि लोगों को इकट्ठा करो, वो पार्टी को अच्छे से स्टेट में चलने दो. The leader owned his authority through the build up charismas and personal triad. See, वो लीडर के पास अथॉरिटी कहाँ से, अपने आप से आ गई क्या, नहीं, वो एक अलग से पर्सनालिटी थी उसके पास और उसकी पर्सनालिटी ऐसे अट्रैक्ट करती थी. नाजी जर्मन इन्वेंटेड सच स्लोगन्स एज लीडर इज द पार्टी, द पार्टी इज द लीडर एंड द लीडर नोज द गोल्स एंड द डायरेक्शन. सी नाजी पार्टी जर्मन में थी, दे केम अप विद द स्लोगन्स कि बाबा लीडर क्या है, लीडर इज द पार्टी, ये लीडर जो है वही पार्टी है और जो पार्टी है वही लीडर है, एंड लीडर को उसके गोल पता है और वो डायरेक्शन भी पता है, किस डायरेक्शन में जाके वो गोल्स अचीव करने हैं ये भी सब लीडर को पता है. द पोजिशन ऑफ द लीडर वॉज सो इनविजिबल दैट जर्मन केम टू बी नोन एज द फ्यूचरर स्टेट, द लीडर स्टेट. सी
अभी जर्मन में क्या हो गया, वो लीडर को इतनी अच्छी पोजीशन दे दी, वो लीडर को इतना अच्छा इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि जर्मन केम टू बी नोन एज द लीडर स्टेट। जर्मन को क्या बोल दिया उन्होंने, लीडर स्टेट बोल दिया। दिस वॉज द हाइएस्ट मार्क ऑफ द पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म। सी इट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क ऑफ द पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉरपोरेट स्टेट। द इकोनॉमिक सिस्टम इनॉग्रेटेड बाय द फासिस्ट रेजिम ऑफ बेटिनो मुसोलिनी इन इटली। सी इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम पहले मुसोलिनी ने लाया इन इटली में, दैट इज द फासिस्ट रेजिम। इट वॉज अडेप्टेड इन मॉडिफाइंग फॉर्म अंडर अदर यूरोपियन डिक्टेटरशिप, अमंग देम एडलॉफ हिटलर्स नेशनल सोशलिस्ट रेजिम इन जर्मन एंड द स्पेन रेजिम ऑफ फ्रांसिस्को फ्रेंको। सी इट वॉज अडॉप्टेड। अब सब लोगों ने क्या किया, बहुत से लोगों ने मॉडिफाई किया ये सब कुछ, राइट कैसे डिक्टेटरशिप यहाँ पे कैसे मॉडिफाई की, सबसे फिर पहले मुसोलिनी ने अडॉप्ट किया, देन केम द हिटलर, हिटलर की पार्टी का नाम क्या था, नेशनल सोशलिस्ट रेजिम, इट वॉज इन जर्मन एंड द स्पेन रेजिम ऑफ फ्रांसिस्को, दैट वॉज इन फ्रांस, राइट इट वॉज इन फ्रांस ओवर हियर, अब ये फ्रांस में आ गया। Although the Italian system was based on, ये जो इटालियन सिस्टम था, it was based on unlimited government control of economic life. See, ये इटालियन सिस्टम क्या था, ये सारा अनलिमिटेड लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल पे कोई लिमिटेज नहीं, यहाँ पे हद से ज़्यादा सब कुछ गवर्नमेंट करती थी यहाँ पे, इनफैक्ट लोगों की लाइफ पे भी वो गवर्नमेंट का ही कब्जा था। इट स्टिल प्रिजर्व द फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटलिज्म, फिर भी क्या था यहाँ पे, कैपिटलिज्म था। लेजिस्लेशन ऑफ 1926 एंड लेटर ईयर्स सेट अप गिल्ड्स और एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर टू एडमिनिस्टर वेरियस सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। सी अभी लेजिस्लेशन हुआ था, लेजिस्लेशन ऑफ 1926, और फिर बाद में कुछ ईयर्स हो गए तो गिल्ड्स, गिल्ड्स क्या है, ये एक टाइप का ग्रुप ऑफ पीपल है, और एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर to administrate various sector of the national economy, they all came up to have the अभी guilds or associations, हाँ employees, employer, they came up and they formed a एक sector बनाया for the national economy के लिए, उन्होंने एक proper अच्छा sector बनाया। they were represented in the national council of corporation, see, और फिर उन्होंने क्या किया, दे वेर रिप्रेजेंटेड, फिर उनको सारा रिप्रेजेंट किया नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन में। द कॉरपोरेशंस वेर जनरली वेटेड बाय द स्टेट इन फेवर ऑफ वेल्दी क्लासेस। अभी ये जो कॉरपोरेशन थे, ये जो कॉरपोरेशन थे, इट वॉज इन द हैंड, किसका था, इट वॉज वेटेड बाय द, यहाँ पे भी क्या था, जो पैसे वाले लोग थे वो भी वही कॉरपोरेशन चलाते थे यहाँ पे, एंड दे रिप्रेजेंटेड मोर ऑफ द नेशनल कॉरपोरेशन यहाँ, और जो भी डिसीजन लेते थे वो ये वेल्दी क्लास के फेवर में ही होता था। एंड दे सर्व टू कॉम्पैक्ट सोशलिज्म एंड सिंडिकलिज्म बाय ऑब्जर्विंग द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट को ऑब्जर्व कर लिया, लाइक थोड़ा सा नेगलेटिव टाइप चालू हो गया। द इटालियन कोऑपरेटिव स्टेट एम्ड इन जनरल एट रिड्यूस कंजम्पशन इन द इंटरेस्ट ऑफ मिलिटराइजेशन। सी द इटालियन कोऑपरेटिव स्टेट क्या हो गया, इट एम्ड इन जनरल एट रिड्यूस कंजम्पशन इन द इंटरेस्ट ऑफ मिलिटराइजेशन। मुसोलिनी कोट्स अबाउट कॉरपोरेट स्टेट ऑफ फासिज्म। अब मुसोलिनी ने क्या बोला है कि लाइक अगर आपका कॉरपोरेट स्टेट ऑफ फासिज्म कैसे होना चाहिए, देर आर सर्टन पॉइंट्स टू इट। द फासिस्ट कंसेप्शन ऑफ द स्टेट इज ऑल एम्ब्रेंसिंग, आउटसाइड ऑफ इट नो ह्यूमन और स्पिरिचुअल वैल्यू कैन एग्जिस्ट। से द फासिस्ट कंसेप्ट ऑफ स्टेट क्या था, इज ऑल एम्ब्रेसिंग, ये सारा कैसे हो रहा है, आउटसाइड ऑफ इट नो ह्यूमन और स्पिरिचुअल वैल्यू कैन एग्जिस्ट, लाइक ह्यूमन के बाहर कोई नहीं है और ह्यूमन के अंदर क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यू रहती है, मच लेस हैव वैल्यू। दस अंडरस्टूड फासिज्म इज टोटलिटेरियन एंड द फासिस्ट स्टेट अ सिंथेसाइज एंड अ यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ऑल वैल्यू इंटरप्रेट्स डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल द and potentials the whole life of people. See, thus understood fascism kya hai, fascism is totalitarian
एंड द फास्टेस्ट स्टेट क्या है, इट इज़ वन ऑफ द यूनिट जिसके अंदर सारे वैल्यू हैं अपन डेवलप करते हैं एंड पोटेंशियल इज द होल लाइफ ऑफ द पीपल. फासिज्म रिकॉग्नाइजेज द रियल नीड्स विच गेव राइज टू सोशलिज्म एंड ट्रेड यूनियंस गिविंग दैम ड्यू वेट इन द गिल्ड्स और कॉरपोरेट सिस्टम इन विच डाइवर्जेंट इंटरेस्ट आर कोऑर्डिनेटेड आर हार्मोनाइज इन द यूनिट ऑफ द स्टेट. सी फासिज्म क्या है, फासिज्म यहाँ पे रिकॉग्नाइज द रियल नीड. अब फासिज्म में क्या है, अभी अपने को सच में ज़रूरत है कि अपन सोशलाइजेशन ट्रेड यूनियन इनको भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे, गिल्ड्स या कॉरपोरेटिव सिस्टम है इसको भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे ताकि सब कुछ अच्छे से कोऑर्डिनेट हो और अपना स्टेट अच्छे से चले. येट इफ़ एनी वन केयर्स टू रीड ओवर द नाउ क्रम्बलिंग मिनट्स गिव्स एन अकाउंट ऑफ द मीटिंग एट विच द इटालियन फासिल डी कम्बेटिनियम वेर फाउंटेड ही विल फाइंड नॉट अ डॉक्टर एन बट अ सीरीज ऑफ पॉइंटर्स. सी यस, अगर किसी को अगर ध्यान में रखना है और किसी को निकालना है कि किधर मीटिंग में से वगैरह, तो क्या है वो तुरंत कर दिया जाता था यहाँ पे, राइट. ही विल फाइंड नोट ऑफ अ डॉक्टर एन बट अ सीरीज ऑफ पॉइंटर्स. उसको फिर अगर कोई किसी के अगेंस्ट गया, लाइक इनके फासिज्म के अगेंस्ट वगैरह गया, तो क्या है उसके साथ बुरा अंजाम होगा. इट मे बी ऑब्जेक्टेड दैट दिस प्रोग्राम इम्प्लाइज रिटर्न ऑफ गिल्ड्स. अब इससे क्या हो गया, अभी गिल्ड्स वगैरह या फिर एसोसिएशंस आने लग गए. नो मैटर, आई देयरफॉर होप दिस असेंबली विल एक्सेप्ट द इकोनॉमिक क्लेम एडवांस बाय द नेशनल सिंडिकलिज्म. सी इट मे बी ऑब्जेक्टेड दैट दिस प्रोग्राम इम्प्लाइज अ रिटर्न टू द गिल्ड्स. अब क्या है, ये इट मे बी ऑब्जेक्टेड दैट दिस प्रोग्राम इम्प्लाइज टू रिटर्न टू द गिल्ड्स. हाँ, नो मैटर, आई देयरफॉर होप दिस, ये असेंबली जो भी है ये एक्सेप्ट करेगी इकोनॉमिक क्लेम एंड एडवांस बाय नेशनल सिंडिकलिज्म. फासिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड एब्सोल्युटली अपोज्ड बाय द अपोज टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरलिज्म बोथ इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्पीयर. सी फासिज्म क्या है, इज डेफिनेटली एंड एब्सोल्युटली अपोज्ड. फासिज्म क्या है, ये डेफिनेटली और सच में अपोज किया टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरलिज्म बोथ इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्पीयर. द फासिस्ट स्टेट लेज क्लेम टू रूल इन द इकोनॉमिक फील्ड नो लेस देन इन अदर्स. सी द फासिस्ट स्टेट क्या है, इट लेज डाउन सर्टन क्लेम्स टू रूल इन द इकोनॉमिक फील्ड नो लेस देन इन अदर्स. इट मेक्स इट एक्शन felt throughout the length and breadth of the country by means of its corporate, social and educational institutions and all the political, economic and spiritual forces of the nation organized in their representative associates circulate within the state. क्या हुआ यहाँ पे, the fascist state lays down certain rules वगैरह in the economic field लाते हैं other than, फिर इसके अलावा भी वो certain actions भी लेते हैं, लाइक कॉरपोरेट अच्छे से चलना चाहिए, एडुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा से चलना चाहिए, पॉलिट तो भी क्या होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल फोर्स ऑफ द नेशन, सब कुछ सारे एसोसिएशन विद इन द स्टेट, दिस ऑल विल फंक्शंस इन द प्रॉपर वे एंड इन द बेटर वे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉरपोरेट स्टेट. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट द क्रिटिकल इवोल्यूशंस, लाइक क्या क्या गलत चीज़ें थी, क्यों फासिज्म आज अपन फॉलो नहीं करते. It would be the last point of our syllabus, right? I think in next lecture we'll wind up our topic. तो फिर अपना क्या है, political science, ये subject ही पूरा complete हो जाता है. If you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.